गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा मैंने बोला था कि मैं जल्दी उठ जाऊंगी और टाइम देखूंगी तो आप डर जाओगे, क्योंकि मैं खुद डर गई हूँ। 5 बजे गौरव ने अपना सुबह का क्लाइंट ले चुके हैं। अब हम जाएंगे सिम्बा पॉपकॉर्न को घुमाने। डैडी के नए जूते भी देख लो, स्पेशली बोला है मेरे जूते, डैडी के न्यू शूज। और डैडी ने ऐसे से मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिए ब्लैक कलर के, उसको इतने अच्छे लगे। थैंक यू डैडी, कह रहे माई दिवाली गिफ्ट। दोस्तों अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती सुबह सुबह का दिन है, क्योंकि दिन है ही नहीं, रात है। देखो खाली सड़के सुबह सुबह के टाइम है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, आर चैनल, सिम्बा पॉपकॉर्न एंड डैडी। सिचुएशन ये है, सुबह के बज रहे हैं 5 और ये दोनों घूमी घूमी कर चुके हैं। अब जाऊंगी गौरव का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, सोचू नमकीन सेविया बना लूं। ओ सुबह सुबह 5 बजे इतनी पलटन आ रही है वॉक करते हुए, और सिम्बा तो बिना लीच के है। सुबह सुबह भी लोग उठ जाते हैं, 5-6 जने आ रहे हैं दोस्तों वॉक कर रहे हैं। सिम्बा को देखो डॉज करता हुआ जाएगा, ये सिम्बा से डरते हुए सारे जा रहे हैं। चलो सेफ एंड साउंड, मेरा सिम्बा बड़ा प्यारा बच्चा है, देखो गया तक नहीं। सिम्बा इसने बहुत चालू आइटम है, जो इससे डरता है ना उसके पास जाता है दिखाने कि हाँ मैं हूँ कोई, और जो सिम्बा सिम्बा बुलाएगा उसके पास ही नहीं जाएगा, डर जाएगा। ये नहीं मेरी पॉप की खींचती हुई मुझे, ये देखो ये लड़का क्या हाल करके गए मेरे कमरे का। अलमारी भी बंद नहीं करी, ऐसी सारा सामान बिखेर के, और यहाँ मेरी सिम्बा इतनी एक्साइटेड हुई हुई है, उसको लग रहा है मैं अभी भी जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ लेकिन अभी नहीं जा रही, इसलिए फटाफट अपने बिस्किट खा रहा है। आराम से पॉप को ऐसे बैठा मुझे एक्साइटमेंट में खा रहे हैं कि बस मम्मा अब चलेगी फटाफट, अभी मम्मा को लंच बनाना है। चलो देखते हैं मेरे लंच का क्या हाल है। मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन डाल दिया है, और ये मेरी दाल है जो मैं बनाने जा रही हूँ, मिक्स दाल, पचरंगा दाल टाइप इसे बोलते हैं। डैडी को कॉफी दे दी। गाइज ये देखो मैं कैसे छोड़ के जाती हूँ रूम, और गौरव कैसे छोड़ के जाते हैं, कितना डिफरेंस है। चलो बाय रूम, शाम को मिलेंगे। वेट कर रही है सिम्बी, बाहर वेट कर रही है। सिम्बा तो आई गेस इतनी धूप में गाड़ी में बैठा होगा। ये बैग बहुत सही है यार, इसमें मैंने लैपटॉप डाल लिए, अपने कपड़े डाल लिए, मम्मा के बर्तन थे वो डाल लिए। चलो और कुछ आते हैं, चलो। और ये देखो ये ऐसे ही ड्राइंग रूम में पड़े रह जाएंगे और रह ही जाएंगे, ये इस लड़के ने अभी तक नहीं रखी मेरी ब्लैंकेट्स अंदर, ये छीन भी मेरे ऐसे। चलो 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 शीशे मैंने पहले ही गाड़ी के खोल लिए थे, इतनी धूप है ना। और ये बर्तन मम्मी के, ओ देखो मुझसे पहले वो पहुंच गया। Let's go! आज तो ऐसा हाल हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं, सुबह की उठी भी 5 बजे की फिर भी सो गई, इतना मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। फटाफट काम करती हूँ, मम्मी पास फटाफट चली जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब बज रहे हैं 10:10, इट्स ओके सह लेंगे। 8 o'clock मम्मा पास पहुंच सकती थी, सोचो कि मुझे होता है जब जा रही तो पूरा डे अवेल कर लो। इतनी प्यास लगी जल्दी जल्दी में, कुछ समझ नहीं आया मेरे, स्ट्रीट डॉग दिख गया होगा उसको, देखो हाल समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ थी। हाँ समझ नहीं आया कि मैं इतनी हबड़ाहट में निकली क्यों, आराम से भी निकल सकती थी। स्ट्रेस देता और कुछ नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेस देता है। सुबह की उठी हुई थी तो भूख लगी थी बहुत जोरों के, तो मैंने मम्मी को फोन करके बोल दिया मम्मा प्लीज कुछ बना दो। मम्मी की ऑप्शन दे थी टा टा टा, लेकिन मुझे तो पसंद है पोहा। मैंने कहा मम्मा मेरे लिए पोहा बना दो, तो चलो पोहा खाते हैं। और मैंने एक मेजर बात, बहुत टाइम हो गया मैंने फ्यांशु से बात नहीं करी, अपने भाई से बात नहीं करी, तो मैं सोचू यार उससे बात भी कर लूं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। इतना टाइम हो गया मतलब कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया बात करवे, बहुत वो है पड़े फ्यांशु मिस करे, बहुत इमोशनली वीक हो ही जा रहे हैं। दोस्तों मैं अभी मम्मी के पास पहुंची भी नहीं थी और डर्टी डैडी का फोन आ गया
शिशु 6:30 तक मेरे क्लाइंट सब वाइंड अप हो जाएंगे, प्लीज तू 6:30 आ जाइयो। मैंने कहा मैं अभी तक पहुंची भी नहीं, तो जैसे ही मम्मा पास पहुंचूंगी डैडी को लव लेटर लिखूंगी, डैडी मैं तो नहीं आ सकती 8:00 से पहले। वैसे तो मैं 9:30 तक जाती हूँ, 9:30 तक, तो ऐसे थोड़ा ना होता वो फ्री हो गया तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा। थैंक्स दोस्तों, आप हो तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ और हल्का होता, वरना क्या करूँ, वरना गौरव से ऐसे की करती रहती थी। कोई बात नहीं, मैं तो आपसे बात करी ना, जो आई एम फीलिंग बेटर। अब गौरव को मैसेज करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी उसको क्या लिखा है। बात होगी, वो लाइटें भी होगी। चलो चलो तो चलो आ, उत्ती करो, चलो जल्दी आओ, गुड बॉय। अरे आप कैसे आ गए? हाँ इतना कुछ है, लवली नानू आए हैं हमको लेने। कुछ ले जाना ऊपर। नहीं नहीं आप जा रहे हो? लवली नानू हमें लेने नहीं आए थे, अपने काम से आए थे। चलो 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 आ सिम्बी, पप्पी इधर, चलो इधर सिम्बा, सिम्बा देखो पप्पी इधर बैठ के। लड़का जब तक मेरी ऊंची आवाज सुनता नहीं है आता नहीं है। चलो जल्दी चलो। और पप्पू यहाँ वेट कर रहे हैं मम्मा का। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। ओहो गाइस पोहे की खुशबू आ रही है। चलो चलो चलो। हेलो सैड नानी। मुझे पता चल गया सैड नानी। अर्चू बना रही है पोहा, पोहे की तैयारी हो रही है। यार ये चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इतने कड़क है ना, अंकल चिप्स जैसे होते हैं। मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। कर लिया था आपने? ओ तेरी कितनी क्रच क्रच आवाज आ रही है। मैंने तेरे यूट्यूब के फैमिली को बताया कि इसको बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला कट कर। ओ माय गॉड थैंक यू अर्चू, वेलकम। यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी थैंक यू, लव यू ऑल। आप भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। मम्मी ना बड़े ऐसे वो है स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं ना बात करती कैसे मेरी गंगा बह जाती है ना, अर्चू की नहीं बहती, अर्चू हाँ दिल में रखती है। अर्चू कुछ कहना चाहोगे? ओहो अरे दीदी वैसे शशि दीदी कहते दीदी आप गुस्से में नहीं अच्छे लगते। आज गुस्से में है मम्मी दीदी है? लग रहा है ना। हाँ इसलिए तो मैं आई हूँ आज, मुझे आना नहीं था। अच्छा हाँ मनाने के लिए आई हूँ। हाँ देखा नेक्स्ट टाइम आपको बोल दूंगी ठीक है। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अभी किशु का फ़ोन आया है, वो रस्ते में है, कहती मम्मा मैंने पोहा खाना है। और मैं फटाफट से उठी, पानी दिया पौधों को और लग गई हूँ पोहा बनाने। तो आज आपको दिखाती हूँ मैं नॉर्मल पोहा कैसे बनाती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आलू को बिल्कुल पतले पतले उसमें काट लेती हूँ चिप्स के रूप में, सो दैट इसका चिप्स हम अच्छे से बना सकें, वो बहुत क्रिस्पी होगी। जितना पतला इसकी होगी, पतले पतले देखो बिल्कुल चिप्स जैसे, तो दे कम्स आउट वेरी क्रिस्पी। जैसे ही ये बॉइलिंग पोजीशन में आ जाएगा हम इसमें चिप्स डालेंगे। इस मैंने अपने घर में ही कड़ी पत्ता लगाया हुआ है, इसलिए हम 3-4 टहनियाँ तोड़ लेंगे। गुड एनफ गाइस, पोहा हमने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए वॉश करना है अच्छे से, ताकि इसकी डस्ट निकल जाए। और उसको ऐसे ही जाली के अंदर सुखाने के लिए डाल दो 10 मिनट्स के लिए विदाउट वाटर, पानी में ज़्यादा देर डिप नहीं करना है। इधर हमारा पीनट्स एंड आलू चिप्स हो गए हैं फ्राई, और साइड बाय साइड हमने कट कर लिया है 2 प्याज बारीक बारीक, धनिया जितना आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से, मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हरा अच्छा लगता है। साथ में 2 हरी शिमला मिर्च छोटी बारीक कटी हुई, और कड़ी पत्ता मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने अपने घर से कड़ी पत्ता निकाल लिया है। घी हो गया है गरम, मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच देसी घी, 1 स्पून जीरा, कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है, साथ ही हम डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। कड़ी पत्ता जब थोड़ा सा चटक जाए तब हमने उसमें प्याज डालना है, थोड़ा सा उसमें क्रिस्प सा आ जाए तो फिर वैसे ही रहेगा, वरना वो पत्ते जैसा हिलक जाएगा। इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 स्पून डाला है मैंने, 1/2 से भी 1/2 1/4 डाली हल्दी, और सॉल्ट स्वाद अनुसार, दैट्स इट, और कोई मसाला नहीं। गाइस सारे मसालों के बाद मैं इसमें डालूंगी रेड पैपरिका, टमाटर
मार्केट में मिल जाएगी, रेड चिल्ली के स्लाइसेस होते हैं विनेगर के अंदर, वो उसको बहुत टेस्टी बना देते हैं। डालेंगे इसमें हमारा पोहा। पोहा डालने से पहले आप हाथ से इसको दाना दाना कर लें सो दैट इसमें कोई नॉट नहीं आएगी। कैसे दाना दाना है पोहे का, कुछ भी एक दूसरे से चिपका नहीं है, बिल्कुल खिला खिला पोहा है। इसको भी हमें कोई स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको वॉश करते करते 10 मिनट के लिए ऑलरेडी फूलने और भिगोने के लिए रख दिया था। पोहा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। जो हमारी ड्रेसिंग है इधर, ये जो हमने इसकी ड्रेसिंग रेडी करी है, इसमें हमें सिर्फ डालना है चाट मसाला और कुछ भी नहीं। ये प्लेटर में जाने के लिए है तैयार। सो गाइस, ये है हमारा प्लेटर सुंदर सा, इसको हम 3 पोर्शंस में डाल देंगे। तो फालतू इसमें आया हमें इसकी लाइंस को नीट कर देना। और ड्रेसिंग जो हम इसमें डाल रहे हैं, हमें किसी को एक्स्ट्रा चाहिए और ये मैं इसके सेंटर में डाल रही हूँ और ये हम सारी इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। गाइस, ओहो टू मच बना यार, हमने चितरे चितरे उड़ा दिए प्लेट के, मज़ा आ गया। फिर तो कहाँ है आपकी प्लेट, फिर तो भी खाने। आपने हेलो बोला, हेलो गाइस। पोहा खाकर अब आ गए काम करने की बारी, चलो काम करते हैं। नाइने भी करनी है मैंने, मेरा बच्चा इधर सो रहा है। पप्पू कहाँ सो रही है, पप्पू वहाँ सो रही है। तो अच्छी तो पटाखा बन गए, बॉम्ब शेल, मॉल जाने को रेडी पूरी। रानी हेलो कर दे, हेलो। प्रीतो भी रेडी है, प्रीतो ने ब्लैक पे डाला है। ओ चप्पल पे आ गए, अभी तो आपने जूते डाले थे। अब घर काम कर रहा था ना डिस्प्ले का। ओहो तो चलो अब अर्जू थोड़ा सा काम भी करेगी, सूट्स डिस्प्ले करेगी, फिर हम मॉल चले। लाइटें लुइटें पूरी सेट हो गई हैं एक्शन प्ले करने के लिए। दोस्तों पूरे उसके साथ दोनों कर रहे हैं व्लॉगिंग। आज आपको दिखा रही हूँ मैं बिहाइंड द सीन्स। शूटिंग के बीच में ब्रेक लिया जा रहा है, ये देखो हमारे कैमरामैन प्रीतो जी। सो मेरा मेकअप बॉय, इट्स वेरी हॉट, टचअप। अर्जी को टचअप हो रहा है। मैंने मम्मा को बोला यार ये वॉइस बहुत आती है आपकी, एसी की एसी बंद कर। तो मैंने दोनों एसी बंद करा दी दोनों के, और बेचारे कैमरा मैन भी परेशान है, ये हंस रही है जो फोल्ड कर रही है सूट। चलो चलो काम लगो, दिहाड़ी मिलेगी, चलो चलो। मैं हमें अभी दिहाड़ी दे दो ना। आपको नहीं मिलेगी, कैमरा मैन को नहीं मिलती। थोड़ी सी भूख लग रही है, देखती हूँ क्या खाऊं, कुछ मिले लाइट सा। ओ पिज्जा पड़ा है यार, अर्जुन ने कल पिज्जा मंगवाया था और खाया नहीं, खत्म नहीं करा। इसी हालत देखते हैं क्या है। लॉल अर्जुन ने तो खाया ही नहीं, चलो यही खा लेते हैं। अर्जुन ने पिज्जा नहीं खाया, फ्रिज में रख दिया। गाइस अर्जुन ने पिज्जा गरम कर दिया, एकदम मस्त गरम हुआ है। यहाँ चल रहे काम से ब्रेक और एंजॉय करा जाए। दोस्तों मेरे हस्बैंड ने मॉल जाने से मना कर दिया मुझे, बस अब यही है कहानी बेचारी एक औरत की। जैसे ही कैमरा ऑन करा पिताजी भाग गए, पिताजी कैमरे में आ गए थे, ठीक है, कह रहे थे ये लड़की तो कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है। और अभी मुझे यही कंप्लेन करता है, लेकिन अब क्या करूँ, अब तो मुझे हैबिट हो गई ना आपसे बातें करने की, वार्तालाप करने की। चलो अब बेचारी जा रही है औरत घर, देखो कितना चिड़चिड़ है। 6:30 बोलता कि वो फ्री हो जाएगा, अभी आपको टाइम दिखाऊं, देखो 7 बजे, 7:00 एग्जैक्ट 7:00 उसका फ़ोन आ गया। और हम जाने को रेडी थे, मम्मी रेडी, पिताजी रेडी, बस मैं तो रेडी ऐसे ही ठीक हूँ, मॉल जाने को लिटरली रेडी थे और फ़ोन आ गया, बै 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 शुरू हो गया। अब जा रही हूँ घर, लेकिन उसने बोला अब कल तू आ जाइए, वैसे मैं ऑल्टरनेट डेज पे आती हूँ ये तो आपको पता ही है, लेकिन अब कल फिर आऊँगी मैं।
क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है, परमिशन दे दी है, तो मेरा क्या कसूर है ना। चलो मिलते हैं गौरव के पास। लवली नानू सिम्बा पॉपकॉर्न की रोटी पैक करते हुए कि किशु ले जा, तुझे बनानी ना पड़े। थैंक यू लवली नानू। और मेरे दोनों नमूने रेडी हैं, फुल ऑन वेट कर रहे हैं कैसे। चलो 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 चलो। दोस्तों सिम्बा पॉपकॉर्न को आते ही घुमा लिया, खाना खिला दिया। अब दोनों बाहर हैं तो सोचा आपको भी दिखा दूं क्या कर रहे हैं दोनों। ओ नीचे ही है जस्ट, ये देख रहे हो इनकी भाव भाव शुरू ही रहती है 24/7। पॉपकॉर्न कहाँ गई? पॉपकॉर्न आ गई। वो पहले ही गोली हो गया था। चलो बैठ जाओ, सांस देखो, सांस पे सांस आई है। ये सारा मम पी पी के इसने गीला कर दिया। हाँ चलो गुड नाइट बोल दो सबको, बोल दो गुड नाइट। मम्मा गुड नाइट बोलेंगी। गाइस शुरू में ऐसे गुड नाइट बोलती थी मैं, इतनी कॉन्शियस हो जाती थी कि मैं गुड नाइट आपको कैसे बोलूँ क्या करूँ। फिर मैं सिम्बू और मैं बोलते थे गुड नाइट। थैंक यू, आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया, आगे भी देते रहना ठीक है। फिलहाल अब ये प्यार वाली गुड नाइट करेंगे चिम्बी और मम्मा। चिम्बी गुड नाइट कर दो। Good night guys, do like, share, comment and subscribe. नज़र उसकी बिस्किट की तरफ है कि मैं बिस्किट खाऊं। चलो guys, good night, take care, do like, share, comment and subscribe. Bye, thank you for watching. मेरे दोनों बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, अपने बस खाना खा के उनको होता है कि बस लेटी लेटी कर दो, मुछाजी कर दो, देखो मुछाजी कर दो, कर दो। चूड़ा बॉय बना हुआ आ जाएगा, इसके खाना खाना लग जाता है रात को। चलो गाइस फाइनल गुड नाइट, बाय बाय।